जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारतीय अंडर 19 टीम और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम का विश्व कप में मुकाबला जो खेला जाने वाला है वो आप सभी को कब, कहां और कैसे लाइव दिखाया जाएगा और क्या भारतीय टीम होने वाली है, तो पूरी डिटेल जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय अंडर 19 टीम ने जीता मुकाबला और बीसीसीआई ने दिया बड़ा इनाम, जानने के बाद आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि कप्तान विराट कोहली की टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद अब ये खिलाड़ी बनेगा कप्तान। सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत और इस खिलाड़ी का भेजा बीसीसीआई को नाम। तो दोस्तों आखिरकार ऋषभ पंत और कौन है वो खिलाड़ी जो आप सभी को अब टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी संभालते हुए दिखाई दे सकते हैं, उस खिलाड़ी के बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का ये मुकाबला जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 के मुकाबले शुरू हो चुके हैं, जहां पर पहला मुकाबला वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेला गया। और इस पहले वर्ल्ड कप के मुकाबले में इतना बेहद ही रोमांचक मुकाबला रहा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 6 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। और दोस्तों इस वर्ल्ड कप में इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो वहीं अगर हम बात करें भारतीय टीम की तो भारतीय टीम भी किसी से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में कल रोमांचक मुकाबला खेला गया था, जहां पर भारतीय अंडर 19 टीम और साउथ अफ्रीका अंडर 19 की टीम ग्रुप बी के तहत मुकाबले में भिड़ी। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मुकाबले को भारतीय टीम ने पूरे 45 रनों से जीता। हालांकि दोस्तों यहां पर जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी थी तो भारत का स्कोर इतना ज्यादा कुछ खास बड़ा था नहीं और 232 रनों पर ही भारतीय टीम सिमट गई थी। लेकिन यहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को बस मात्र 187 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसके चलते यहां पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 45 रनों से जीत हासिल करी। और ऐसे में दोस्तों अब भारतीय टीम वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा मजबूत और प्रबल दावेदार मानी जा रही है जीतने की। तो वहीं हम आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को हराने के बाद अब आप सभी को भारतीय अंडर 19 टीम और मुकाबले खेलती हुई नजर आने वाली है। जी हां दोस्तों, ये वर्ल्ड कप बेहद ही रोमांचक है, जहां पर अब एक बार फिर से आप सभी को भारतीय टीम पहले तो आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी मुकाबला और फिर आयरलैंड के खिलाफ खेलने के बाद मैच इसको युगांडा के खिलाफ भारतीय टीम का मुकाबला होगा। और दोस्तों जब भारतीय टीम इन दोनों ही टीमों से जीत जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया जो कि इस पूरे ही वर्ल्ड कप 2022 सबसे मजबूत टीम के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी। जी हां दोस्तों, ये दोनों ही टीमें आप सभी को मैदान पर भिड़ती हुई नजर आएगी, जहां पर इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए भारतीय टीम को अब आयरलैंड और युगांडा जैसी टीमों को भी हराना होगा। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया टीम और भारतीय टीम के बीच में जो अंडर 19 विश्व कप का मुकाबला खेला जाएगा वो आप सभी लाइव हॉटस्टार पर देख सकोगे। और वहीं इस मुकाबले का लाइव प्रसारण शाम को 6:30 बजे से करवाया जाएगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को जानकर खुशी होगी कि भारतीय अंडर 19 टीम में आप सभी को काफी बड़े बड़े नाम शामिल होते हुए दिखाई देने वाले हैं। और साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से हराने के बाद अब भारतीय टीम की भी निगाहें ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराने पर है। तो वहीं दोस्तों आइए चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार आप सभी को भारतीय प्लेइंग 11 टीम में कौन कौन खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहां पर जो पहला बड़ा नाम निकल कर आता है वो है अंकरिश रघुवंशी का। तो वहीं दूसरे नंबर पर आप सभी को बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे हरनूर सिंह। और वहीं बात करें अगर मिडिल ऑर्डर की तो मिडिल ऑर्डर में तीसरे नंबर पर शेख राशिद, चौथे नंबर पर यश ढूल, पांचवें नंबर पर निशांत सिंधु, छठे नंबर पर राज बावा, सातवें नंबर पर कौशल तांबे नजर आएंगे। तो वहीं बात करें गेंदबाजों की तो गेंदबाजी में दिनेश बाना, विक्की ओस्तवाल, राजवर्धन अंगारकेकर और रवि कुमार। तो ऐसे में दोस्तों यही होगी भारतीय प्लेइंग 11 टीम जो कि आप सभी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भिड़ती हुई नजर आने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा। और अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ भारतीय टीम जीत पाएगी या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, मेरे हाथ में होता तो ऋषभ पंत को कप्तानी सौंप देता। जी हां दोस्तों, विराट कोहली के टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगला टेस्ट कप्तान कौन होगा। हर क्रिकेट पंडित अपनी अलग राय दे रहे हैं, लेकिन सुनील गावस्कर ने एक ऐसे खिलाड़ी का नाम लिया है जिसका नाम सुनकर शायद आप भी चौंक जाओगे। जी हां दोस्तों, इंडिया टुडे के साथ बातचीत के दौरान सुनील गावस्कर ने अगले टेस्ट मैच के तौर पर ऋषभ पंत का नाम लिया है। उन्होंने कहा, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ऋषभ पंत को कप्तान बना देता, क्योंकि
खिलाड़ियों की जिम्मेदारी, आने के साथ वो बेहतर खिलाड़ी उभर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है सुनील गावस्कर के इस बयान के बारे में? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जहां एक तरफ भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ दौरे पर है, तो वहीं दूसरी तरफ अंडर 19 टीम भी आईसीसी वर्ल्ड कप में भाग ले रही है। और अब ऐसे में बीसीसीआई द्वारा ऐलान किए जाने के बाद अब भारतीय टीम आप सभी को मुकाबले में भिड़ती हुई काफी लंबे समय के बाद दिखाई देने वाली है। जी हां दोस्तों, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि पिछली बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलने के बाद अब भारतीय टीम मैदान पर एक बार फिर से वापसी करेगी। और दोस्तों ये मुकाबले अब आप सभी को कोई छोटे मोटे लेवल के मुकाबले देखने के लिए नहीं मिलेंगे। दरअसल दोस्तों ये मुकाबले हाई वोल्टेज मुकाबले होने वाले हैं, जहां पर आप सभी को भारत और पाकिस्तान जैसी दो प्रतिद्वंदी टीमों के बीच में मुकाबला खेला जाता हुआ दिखाई देगा, जहां पर भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान महिला टीम के बीच में वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप आप सभी को न्यूजीलैंड में खेला जाता हुआ दिखाई देगा, जहां पर भारतीय टीम का पहला ही मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ तो ये मुकाबला 6 मार्च को होगा, लेकिन उससे पहले भी आप सभी को भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान महिला टीम भिड़ती हुई नजर आएगी वार्म अप मुकाबलों में, जहां पर वार्म अप मैचेस का आगाज अब से ही चंद कुछ दिनों बाद होने जा रहा है, जहां पर आप सभी को सभी टीमें प्रैक्टिस मैचेस में भिड़ती हुई नजर आएंगी। और दोस्तों जैसे ही वार्म अप मैच का शेड्यूल सामने आएगा हम आपको तुरंत आरएस न्यूज पे अपडेट कर देंगे। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के तहत ये मुकाबला 6 मार्च को खेला जाएगा। स्मृति मांदना, शैफाली वर्मा, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, ऋचा घोष, तान्या भाटिया, एकता विष्ट, मेघना सिंह, पूजा वस्त्रकार, पूनम यादव, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह, सिमरन बहादुर। तो ऐसे में दोस्तों ये नामी खिलाड़ी हैं जो कि आप सभी को भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में हर किसी को उम्मीद होगी कि पाकिस्तान जैसी खतरनाक टीम को भारतीय महिला टीम हराकर एक नया कीर्तिमान अपने नाम करेगी। तो ये चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, पर निशांत सिंधु 25 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके लगाए। हालांकि दोस्तों यहां पर फिर बल्लेबाजी के लिए आए राज बाबा, जहां पर राज बाबा ने आज के इस मुकाबले में 19 गेंदों में 13 रन की पारी खेली। और आपको बताएं कि यश ढूल शुरुआत में तो काफी लड़खड़ाती हुई पारी खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये अगले पल ही आउट होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन आज भारतीय टीम के कप्तान यश ढूल ने कर दिखाया वो काबिले तारीफ। दोस्तों अपनी इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 4 बड़े छक्के भी लगाए, जैसे कि आप सभी यहां पर देख भी सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 ओवर में 3 रन का टारगेट रखा, जो कि साउथ अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम के सामने काफी ज्यादा। और ऐसे में दोस्तों अब भारतीय टीम का जीतना ही इस मुकाबले में लगभग तय माना जा रहा है। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।